नमस्कार, मैं हूं सरस सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। बात करेंगे आज जफराबाद विधानसभा की, जहां पर चुनावी सरगर्मियां आसमान छू रही हैं। आपको बता दें कि बीते कल से जगदीश नारायण राय का नाम निकल के आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जफराबाद विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाया है। इस खबर की पुष्टि के लिए हमारे साथ मौजूद है सुभाषपा से, जफराबाद विधानसभा से टिकट के लिए प्रयासरत डॉक्टर जेपी सिंह। उन्हीं से बात करेंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। सर, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जगदीश नारायण राय को समाजवादी पार्टी ने जफराबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, इस खबर में कितनी सच्चाई है? अभी तक की जो सूचना है वो टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है और जफराबाद विधानसभा गठबंधन में है, सुभाषपा के खाते में है। अगर चुनाव चिन्ह छड़ी पे चुनाव होगा और गठबंधन पे सीट है जैसा कि पहले से मालूम है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको प्रत्याशी बनाएंगे। अगर जफराबाद की सीट समाजवादी पार्टी के सिंबल पे होता है तो स्वतंत्र है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, चाहे जिसको प्रत्याशी बना सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो सूचना है वो फाल्स है, फेक है, फर्जी है। सर, मार्केट में एक खबर चल रही है कि सुभाषपा जगदीश नारायण राय को टिकट दे रही थी, जिनको उन्होंने सिलेंडर करते हुए कहा कि जब भी हम चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पैनल से लड़ेंगे। इस खबर में कितनी सच्चाई है सर? अब वो बड़े नेता हैं, वो उनका व्यक्तिगत मत है, वो साइकिल पर लड़ना चाहेंगे कि छड़ी पर लड़ना चाहेंगे, लेकिन चूंकि वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हो सकता है चुनाव चिन्ह पर न लड़ना चाहें, और ये हमारे कोटे में है और कोटे से प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जिसको चाहें वो ही चुनाव लड़ेगा। जी सर, ये कह रहे थे इस सीट के लिए अगर इतनी कसमकश चल रही है, क्यों लेट किया जा रहा है? विलम्ब होने के कई कारण हो रहा है। एक तो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यस्त हैं, पूरा प्रदेश का चुनाव चरणबद्ध तरीके से हो रहा है और एक रणनीति के तहत भी टिकट का डिक्लेरेशन हो रहा है कि जैसे जैसे चरण का चुनाव बीतता जा रहा है वैसे वैसे टिकट के प्रत्याशी की घोषणा होती जा रही है, इस नाते भी विलम्ब हो रहा है। हाँ, आपकी बात सही है, जनता भी इंतजार कर रही है, कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हो रहे हैं कि बहुत लेट हो रहा है। उसमें यही सीट जफराबाद सीट को लेके कसमकस है कि अखिलेश जी हो सकता है कुछ और चाह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कुछ और चाह रहे हैं, इसी में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। सर, बात करेंगे जफराबाद विधानसभा की। यहाँ माना एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 366,198 वोट है। जिस प्रत्याशी को अगर बाई द वे टिकट मिलता है, क्या वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर पाएगा? ऐसा है, कम समय रहेगा सर। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन अब किसी नए प्रत्याशी को अगर टिकट दिया जाएगा तो वो मामला अच्छा नहीं होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन चूंकि प्रत्याशियों के डिक्लेरेशन की दौर में यही दो चार नाम हैं जिसको आप जान भी रहे हैं, कहना उचित नहीं है, और जो ये प्रत्याशी हैं जिनका नाम होने वाला है भावी प्रत्याशी जफराबाद से, वो सभी लोग 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल से विधानसभा में लगातार काम कर रहे हैं, बूथ से बूथ तक डोर टू डोर का कैंपेनिंग हर चुनाव में हम लोग किए हुए हैं और तेरही बरही शादी ब्याह मरनी करनी सुख दुख में शादी विवाह में हम लोग हमेशा डटे हुए हैं। इसलिए हम लोग नए प्रत्याशी नहीं हैं कि चुनाव लेट हो गया तो इसलिए हम पीछे हो जाएंगे। हम लोग रोज़ अपना अपने को प्रत्याशी मान के, रोज़ चुनाव मान के जनता की सेवा में क्षेत्र में बने हुए हैं, जिले में बने हुए हैं, उनके हर सुख दुख में हम लोग शरीक हो रहे हैं, इसलिए बहुत विलम्ब नहीं है। जैसे उधर सूचना आती है हम लोग पर्चा खरीद के और रेडी किए हुए हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षों का निर्देश है कि सब लोग अपनी तैयारी में रहिए, जैसे वहाँ से ये भी फार्म आता है हम लोग पर्चा दाखिल कर देंगे। सर, पर्चा दाखिल की बात किया जाए तो अगर जैसे समाजवादी पार्टी जगदीश नारायण राय के ऊपर दाव खेलती है तो कितना समर्थन आप करेगा? पूरा समर्थन रहेगा, गठबंधन का पूरा समर्थन रहेगा। टिकट हमको मिलेगा तो हमको पूरा आशा है कि उन लोगों का समर्थन मुझे रहेगा। अगर हमारे किसी साथी को समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल के अगर उनको टिकट मिलता है तो हमारा हमारे दल का पूरा समर्थन है। सर, जैसे आपसे समझना चाहेंगे कि जो यंग और वाई का फैक्टर है तो समाजवादी पार्टी वाई को अपना शुरू से हितैषी मानती आई है, यंग को कितना खींच पाएंगे? ऐसा हम लोग पढ़े लिखे साथी हैं, डिग्री कॉलेज प्रोफेसर हैं, इसलिए जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। समाज में हर व्यक्ति जो अच्छा इंसान है भाईचारा बनाकर उनको जोड़ते हुए हम लोग चुनाव में सक्रिय होने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं और हर व्यक्ति का वोट लेना चाहेंगे और सबके दिलों में बसना चाहेंगे, इसलिए हम एम वाई या और कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये बातें तो केवल सांप्रदायिक पार्टियां करती हैं। सर, डबल इंजन की सरकार थी इस सीट पर सत्ताधारी दल से विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह को, उनको वोट न देके आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे?
हिस्सा है डबल इंजन की सरकार, तो उत्तराखंड में भी है जहाँ सरकार जा रही है, महाराष्ट्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की थी, केंद्र में भाजपा सरकार थी वहाँ भी भाजपा चली गई। अब नंबर उत्तर प्रदेश का है, आप देख रहे हैं, आप लोग पत्रकार साथी हैं कि जिन जिन चरणों का चुनाव हो रहा है भाजपा शून्य होती जा रही है और सातवें चरण आते आते भाजपा उत्तर प्रदेश में शून्य हो जाएगी और गठबंधन की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ। जैसे शीर्ष नेतृत्व का सवाल एक हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस सीट पर कब तक टिकट क्लियर हो जाएगा? आज 12 बजे 1 बजे तक टिकट भी क्लियर हो जाएगा। दिन में टिकट लगभग फाइनल की स्थिति में है, ये है अधिकृत सूचना अभी हम लोगों तक नहीं आई है, बस इतना ही विलम्ब हो रहा है। तो ये सीट गठबंधन में जा रही है कि समाजवादी? अभी तक तो गठबंधन के कोटे में है। छड़ी पे चुनाव होगा। अब अंतिम निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षों के पाले में है, वो जैसा निर्णय लेंगे वह स्वागत होगा। सर ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपका नाम जैसे बाय द वे क्लियर हो जाता है, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लेंगे, समय कम नहीं है? मैंने बताया कि जफराबाद विधानसभा का मैं निवासी हूँ, मेरी उम्र 52 साल है जी। हम 32 साल 35 साल से राजनीति में हैं, विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता रहे हैं और 15 साल बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, नेता रहा हूँ विधानसभा और ही नहीं पूरे जनपद में काम किया हूँ और डोर डोर तक आया गया हूँ। विधानसभा में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा होगा जहाँ मैं एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार नहीं गया हूँ। जलालपुर में घर है, सिरकोनी और गौराबाद शाहपुर मेरे हमेशा आँख के नज़र के सामने है। अगर थोड़ा बहुत हमको मेहनत करना है तो केवल रामनगर ब्लॉक जो हमारे मड़ियाहूँ से आके जफराबाद में है उसका आधा अंश, उसमें हमको मेहनत करना है और धर्मापुर, करंजा कला, सिरकोनी, जलालपुर में हमें एकदम मेहनत नहीं करना है। वहाँ के जनता, वहाँ कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि केवल सिंबल घोषित हो, चुनाव परिणाम हम लोगों के हक में है, हम लोगों के पक्ष में है। रामनगर में थोड़ा हम लोगों को मेहनत करना है, नया क्षेत्र भी है, थोड़ा हम लोगों से दूर भी पड़ रहा है, वहाँ पर मेहनत करना है। सर जैसे इस सीट पर जफराबाद विधानसभा सत्ताधारी दल से डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने नामांकन किया, निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सिंह सोनू ने नामांकन किया, तो दो स्वर्ग लड़ रहे हैं, कितना फायदा आपको होगा? ऐसा है, मैं बताया मेरा घर जलालपुर है जी और सिटी MLA का सिरकोनी में है जी, तो थोड़ा बहुत आप जानते हैं राजनीति में ये सब होता रहता है ना, थोड़ा हम नहीं पसंद करते लेकिन क्षेत्रवाद भी चलता है तो कुछ उसका है। दूसरा सोनू जी युवा साथी हैं भाई, उनको भी कुछ वोट मिलेगा ही। और जैसे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है और आप पार्टी का प्रत्याशी, एक निर्दल प्रत्याशी, उधर भी कई एक ही समाज के लोग हैं, इधर भी एक ही समाज के लोग हैं, वोट जरूर बटेगा और हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि वोट थोड़ा हमें मिल जाएगा, 40% 50% वोट हमको अगर हमारे समाज का मिल जा रहा है तो हमारे पास तो वोट का वोट बैंक है पूरा, समाजवादी पार्टी का है, माइनॉरिटी का वोट है, राजभर समाज का वोट है, निषाद का है, मल्लाह का है, कुनबी का है, कोयली का है और सर समाज का वोट हमारे साथ है और ब्राह्मण भाईचारा हम लोगों ने बनाया है और क्षेत्र में हमारी हम लोगों की ऐसी इमेज है कि सर समाज के साथ ही हम लोग वोट देना चाह रहे हैं और देंगे। और सिटिंग MLA का इतना विरोध है कि वहाँ जात पात की कोई बात नहीं है, उनके ही लोग उनके खिलाफ वोट देने का काम करेंगे और इंतजार कर रहे हैं, रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, चाहे हमको करें, चाहे माननीय जगदीश राय कर रहे हों या और लोगों को कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी टिकट लेके आइए, हम लोग नया प्रत्याशी और नया MLA देखना चाहते हैं। सर जैसे कल पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो मलहनी के विधायक लकी यादव हैं उनका बड़ भोलापन है, उनका सीट जा रहा है, इस वजह से वो अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। खैर ये तो मैं नहीं सुना कि वो कहें अनाप शनाप बयान किए हों, ऐसा तो नहीं है, बहुत बोलने वाले नेताओं में ये लोग नहीं हैं और उन लोगों का अपना मलहनी का मामला है, हम उससे बहुत मतलब नहीं रखते। सर चुनावी मौसम में इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।